फ्री फायर के जैसे ही यहाँ पर अब BGMI भी बैंड हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ पर जैसे कि आप अपने प्ले स्टोर में आते हो और यहाँ पर आप सर्च करते हो BGMI, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो BGMI है वो गायब हो चुका है। कितने परसेंट चांसेस है कि हमारा जो BGMI है वो इंडिया में रन कर सकता है, वो भी आपको कंफर्म बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेनली ट्री से रीजन निकल कर आ रहा है, जिस वजह से हमारा जो BGMI गेम को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो न्यू स्टेट मोबाइल है यहाँ पर ये अभी तक अवेलेबल है, लेकिन BGMI को हटा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कोई ग्लिच नहीं है या ही कोई टेक्निकल इशू है, क्योंकि BGMI बहुत बड़ा कंपनी है, इसे ऐसे ही प्ले स्टोर से हटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इससे अपना इनकम भी कर रहे हैं, जो कि YouTube में काफ़ी बड़े बड़े चैनल है। यहाँ पर मेनली थ्री रीजन, जैसे कि आप यहाँ पर गूगल में भी सर्च कर रहे हो BGMI बैंड, देख पा रहे हो बड़े बड़े यहाँ पर न्यूज़ वालों ने यहाँ पर कवर करके रखा हुआ है कि जो BGMI है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर मेनली थ्री से रीजन निकल कर आ रहा है, जिस वजह से हमारा जो BGMI गेम को हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि आपको थोड़ी बहुत भी चांसेस है या नहीं जो BGMI गेम स्टिल हमारे इंडिया में रहेगा एंड आप खेल सकते हो उसे, तो वो भी आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के मोबाइल में BGMI इंस्टॉल होगा, एंड जैसे ही आप यहाँ पर इसे ओपन करते हो यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्वर का इशू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके के एरर देखने को मिल रहा है, बट इसे आप जैसे रिफ्रेश कर रहे हो यहाँ पर हमारा जो गेम है वो लोड हो जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है, बट यहाँ पर अभी तक इसका सर्वर है, जिस वजह से हम यहाँ पर अपने गेम को खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक गेम प्ले स्टार्ट कर दिया है एंड यहाँ पर इसे मैं प्ले करके दिखाने वाला हूं आपके सामने, तो जो कि हमारा जो गेम है वो चल रहा है। अब मेनली यहां पर बात करते हैं कि वो कौन से थ्री ऐसे रीजन है जिस वजह से हमारा जो BGMI गेम को बैंड कर दिया गया है या फिर प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले जो निकल कर आ रहा है हमारा डाटा कलेक्ट यानी कि सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, तो जो कि हमारे बहुत सारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होता है जो हमारा बहुत सारे पर्सनल डाटा वगैरह लेकर रखता है, तो उसी में से यहां पर हमारा जो BGMI है वो भी काफी सारे हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है, जो हमारे इंडिया से लीक हो सकता है। जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल करते हो, कुछ इस तरीके का आपके सामने आता है, दिस ऐप में शेयर दिस डेटा टाइप विद थर्ड पार्टी के साथ आपका डेटा शेयर हो सकता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और भी 5 अदर्स है, जो वजह से हमारा जो इंडिया की डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा लीक हो सकता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो BGMI है वो हटाया जा सकता है, बैंड किया जा सकता है, मतलब कर तो गया है, बाकी प्ले स्टोर से तो हटाया गया है। सेकेंड रीजन की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो सेकेंड रीजन भी यहाँ पर हमारा जो निकल कर आ रहा है वो है PUBG, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि PUBG को हटा दिया गया है, लेकिन जो BGMI है सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी है PUBG की। तो यहाँ पर बस बताया जा रहा है कि काफ़ी निकल कर आ रहा है न्यूज़ की हमारा जो PUBG है उसी की नेम को चेंज करके यहाँ पर BGMI रख दिया गया है, जो कि सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डिफ्रेंसेज मिल जा रहा है आपको देखने के लिए, बट इसी वजह से हमारा कहीं ना कहीं इस गेम को भी हटाया जा रहा है जो कि PUBG से रिलेट हो रहा है। थर्ड रीजन की यहाँ पर मैं अगर बात करना चाहूँ, तो यहाँ पर आपका जो यूथ हमारे यूथ है और यहाँ पर हमारे जो चाइल्ड है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जा रहे हैं गेम में, काफ़ी यहाँ पर न्यूज़ भी वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग जो बच्चे हैं वो अपने पिता की ATM वगैरह से काफ़ी कुछ परचेज करते हैं जो BGMI से 12-15 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चे के माइंड में इस तरीके से यहाँ पर जो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि परचेज यहाँ पर जो आइटम मिलता है उसे परचेज करने के लिए बच्चा बिना पूछे पेरेंट्स से ही उसकी उनके ATM वगैरह को यूज़ कर ले रहा है परचेज वगैरह करके, जो फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हमारा जो BGMI है गेम उसे हटाया जा सकता है कम्प्लीटली। क्यों कम्प्लीटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि बस प्ले स्टोर से हटाया गया है, बट यहाँ पर हमारा जो BGMI गेम है वो अभी तक चल रहा है। इसे फाइनली कन्फर्मेशन कब आपको कहा जाएगा, जब बिल्कुल आपकी मोबाइल से यहाँ पर आपका चलने नहीं वाला, सर्वर बिल्कुल आपका डाउन हो जाएगा, जब आप अपने BGMI को प्ले नहीं कर सकते हो, तो ये आपका फाइनल पूरा हो सकता है कि आपका BGMI पूरी तरीके से इंडिया में बैंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत भी चांसेस है कि नहीं कि हमारा जो BGMI वो स्टिल यहाँ पर रन कर पाएगा इंडिया में, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि काफ़ी लोगों का घर चल रहा है BGMI से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है यहाँ पर हमारे जो BGMI से रिलेट, तो काफ़ी लोग इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये गेम चला जाता है तो उन लोगों का भी यहाँ पर बेरोजगारी हो सकता है।
बाकी वो बाकी गेम को ट्राई कर सकते हैं, बट BGMI में काफ़ी ज़्यादा स्कोप उन लोगों ने हासिल कर रखा है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रखा है, तो इस वजह से भी कहीं अगर गवर्नमेंट सोच सकते हैं तो यहाँ पर कर सकता है। बाकी यहाँ पर डाटा लीक ना हो इस वजह से, कंपनी से कुछ बातचीत हो, तो यहाँ पर शायद से आपका जो BGMI गेम है वो रह सके प्ले स्टोर में, आप उसे हमेशा के लिए खेल सको। बट यहाँ पर फाइनली अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया गया है, बट यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है जैसे कि प्ले स्टोर से हटा गया है, हटा दिया गया है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। प्ले स्टोर में अगर गेम को हटा दिया गया है दैट मीन्स आपका जो ऐप है वो बैंड हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बस बिल्कुल एक गेम है, आप कहीं ना कहीं आप सभी लोग यहाँ पर हम सभी लोग गेम में काफ़ी ज़्यादा हम एडिक्ट हो जा रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसे बैंड करना पड़ रहा है। ठीक है, काफ़ी जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ कर यहाँ पर जो गेम में घुस जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोग से एक ही बात कहना चाहता हूँ, और जितने भी छोटे बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ये गेम है, बिल्कुल आपको गेम की तरह ही देखना है, बिल्कुल गेम की तरह ही प्ले करना है, दिन रात आपको इसी में घुस कर नहीं रहना है। इस वजह से आज कहीं ना कहीं हमारा जो गेम है वो बैंड हो जा रहा है, बस आप सभी लोगों की वजह से, क्योंकि गेम को गेम की तरह ही प्ले करना चाहिए। गेम बनाया गया है कि फ्री टाइम में इसे खेला जाए, हर समय काम वगैरह छोड़ कर पढ़ाई लिखाई छोड़ कर अगर आप गेम में ही घुस जाते हो और गेम ही खेलते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा नशा से कम नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा जो गेम है वो बैंड हो रहा है। बाकी यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमारा गेम रुक पाता है कि नहीं, इंडिया में ये स्टिल रह पाता है कि नहीं। तो इसके लिए वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सारी कुछ अपडेट जो भी आने वाला है वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए गुड बाय, एंड गेम को गेम की तरह खेलो, उसे अपना जिंदगी मत बना लेना।